नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, अभी हम लोग रुक्मिणी सार संग्रह का 27,000 प्रश्नों का जो संग्रह देख रहे हैं, उसमें हम लोग पिछले वीडियो में विविध देखे थे। विविध में कुछ बाकी रह गया था, तो चलिए उसको पूरा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यह त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास मनाया जाता है, वो कौन ऐसा त्यौहार है? तो उस त्यौहार का नाम है दोल यात्रा। क्या है? दोल यात्रा। तो ये पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है और मार्च महीने में मनाया जाता है। हो गया क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि पार्श्वनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर तो AMP मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है। ट्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ट्री उत्सव। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो ये बंगाली भाषा को नहीं किया गया। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और झारखंड की आदिवासी आबादी का जो त्यौहार है ये सरहुल है। क्या है? सरहुल है। सरहुल, जट, जटिन, करमा, डांगा, विदेशिया, सोहरा, ये सब झारखंड में मनाई जाती है। कुछ कुछ यूपी बिहार में भी मनाई जाती थी, पहले बिहार और झारखंड साथ में ही थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कांगड़ी भाषा भारत के किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? कांगड़ी, तो एक कांगड़ी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का क्या नाम है? तो पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत। और नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्यौहार है? तो नुआखाई ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तेजस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूर्ण रूप? तो ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल होता है। ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल होता है। और मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। क्राइस्ट चर्च, अगला प्रश्न है, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये भारत के किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में। और तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के किस स्थान पर स्थित है? तो ये तंजावुर में है। कहाँ है? तंजावुर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोलांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में करके बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है सीरीज। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ताऊते चक्रवात भारत में किस वर्ष आया था? जो ताऊते चक्रवात है ये 2021 में आया था। ताऊते चक्रवात 2021 में आया था। और गालो एक तानी भाषा है। गालो एक तानी भाषा है जो कहाँ बोली जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो ये मराठी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीना में नहीं मनाया जाता है? तो ये ओणम है जो केरल में मनाया जाता है। अगस्त से सितंबर महीना में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो जो दीपावली है ये कृषि से संबंधित नहीं है, ये रावण का वध करके राम भारत आए थे, अयोध्या आए थे, उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो ये झूलन गोस्वामी है। और किस देश की है? तो इंडिया की है। और भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम, जिन्होंने 32 वर्षों तक अपना करियर राजनीति में दिया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव में दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों का सही क्रम का चयन कीजिए। हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, निशागंधी महोत्सव और ताज महोत्सव। तो हम्पी कर्नाटक में मनाया जाता है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में, और निशागंधी उत्सव केरल में, और ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। सोलुंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का शुभारंभ किसने किया था। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष यही थे, और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है। ब्रह्म जो कमल है ये उत्तराखंड का है। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो ये उर्दू है। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। एयरक्राफ्ट का तो ये तेजस है। और कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है, तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है, तो ये हिंदी है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किनके जन्म दिवस पर के अवसर पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है खेलकूद। खेलकूद टॉपिक है, तो खेलकूद टॉपिक आजकल तो हर एग्जाम में खेलकूद से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका देखते हैं कि हॉकी के मैदान का आयाम, जो लंबाई चौड़ाई जिसको बोलते हैं, कितना होता है, तो 91.4×55 मीटर को होता है। और फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए येलो कार्ड का प्रयोग करते हैं। पीला कार्ड, पीला रंग, येलो कार्ड, मैच देखते होंगे तो मालूम चलता होगा। और चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है शतरंज में। चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है, और गैम्बिट शब्द भी शतरंज में ही संबंधित है। रैकेट से खेला जाने वाला खेल कौन सा है। रैकेट से तो ये स्क्वैश है। कौन सा खेल है, स्क्वैश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओलंपिक 2032 तक भारतीय कुश्ती को कौन सा राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी 2032 तक, तो ये उत्तर प्रदेश। और तीरों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये तीरंदाजी, जिसको आर्चरी बोलते हैं। और 13वें ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा 2023 में, तो ये अपना इंडिया, अपना भारत में होगा। और बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बोल्ट, अगला प्रश्न है कि बोल्ट उपकरण, तो यह पर्वतारोहण में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई आत्मकथा, तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और प्रीतम रानी सिवाज का संबंध हॉकी खेल से है। प्रीतम रानी सिवाज का संबंध हॉकी खेल से है। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, शीतकालीन ओलंपिक, तो ये इटली देश करेगा, इटली करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेडर शब्द का संबंध किस खेल से है। हेडर, तो ये फुटबॉल से है। हेडर शब्द का संबंध फुटबॉल से। और पारंपरिक भारतीय खेल का नाम क्या है, तो भारत में जो है पारंपरिक है वो मलखम्ब है। क्या है, मलखम्ब है। और स्टेट फॉर्म द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो कपिल देव की है। कपिल देव, स्टेट फॉर्म द हार्ट। और एक साहसिक खेल का नाम क्या है, तो पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग जो है एक साहसिक खेल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी का है, तो ये बीबीएस लक्ष्मण का है। और 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा, कहाँ होगा, तो ये संयुक्त अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहली ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कहाँ खेला गया था, तो ये इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड जीत गया था, भारत हार गया था। और अब की बार फिर जो फाइनल मैच होगा, जो ICC का टेस्ट चैंपियनशिप होगा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ खेला जाएगा। और मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 42.195 किलोमीटर या 326 मील 385 गज। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुआ था। और फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट 11 हो सकती है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ ए मिल्खा सिंह की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष शुरू की थी, राष्ट्रमंडल खेलों, तो ये 2010 में की थी। और भाला फेंक खिलाड़ी जेवलिन थ्रोअर अनु रानी का संबंध किस राज्य से है, अनु रानी का संबंध, तो ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की है। और किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है,
तो एक गोल्फ में। और एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है, तो ये सानिया मिर्जा की है। और बैटन का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किया जाता है, बैटन का प्रयोग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किया जाता है, तो रिले रेस में किया जाता है, रिले रेस में बैटन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। थर्ड मैन संबंधित है, तो थर्ड मैन क्रिकेट में होता है। और बल्लेबाज को कितने तरीके से आउट करार दिया जा सकता है, तो 10 तरीके से आउट दिया जा सकता है। और किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद हॉप का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रिपल जंप में किया जाता है, ट्रिपल जंप। और पुरुष विश्व हॉकी 2023 का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया था, भारत। आठवें टी ट्वेंटी महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और 10वां महिला हॉकी एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया, ये मस्कट में किया गया। और नेत्रा कुमानन किस खेल में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो ये नौकायान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है, तो उसेन बोल्ट की है, जो जमैका से संबंधित है, जमैका। और हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और दौड़ने वाले आयोजनों में लीप की गिनती की जाती है लैप स्कोरर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है, तो क्ले पिजन शूटिंग को ट्रैप शूटिंग कहते हैं। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 kg भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई है, ये अंशु मलिक है। कौन है? अंशु मलिक। और फ्री थ्रो का प्रयोग होता है बास्केटबॉल में, और 2032 में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा 2032 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो ये कानपुर में। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था, तो ये बिजेंदर सिंह। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को बार बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित किया जा सकता है। भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है, उसका नाम है कलारीपयट्टू। और असम का एक लोकप्रिय खेल जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है, उसको घोप खेल बोलते हैं, घोप खेल। और अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है, अदिति अशोक। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी वेस्ट इंडीज के अलावा और कौन देश करेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वह भारतीय खेल जिसमें एक राइडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश किया जाता है, बिना सांस लिए, तो ये कबड्डी हो जाएगा। और हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट और फुटबॉल के 90 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांढ़ों का सामना करना होता है, तो ये जल्लीकट्टू। और कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली KC ने किस टीम को हराया, तो ये पटना पायरेट्स को। और अगला प्रश्न देखते हैं कि ICL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण किसने जीता, तो एटलेटिको डी कोलकाता जीता था। और IPL जीता था राजस्थान। और भारत में 2021 तक सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों प्रमुख ICC ट्रॉफियां जीती है, किसकी कप्तानी में, तो ये महेंद्र सिंह धोनी, माई के नाम जानते हैं। और बास्केटबॉल में फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है, फ्री थ्रो बास्केटबॉल में 1 अंक का होता है। और महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एक कोनेरू हम्पू का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फीफा के अनुसार गोल्ड पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये 8 फीट। और भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो ये के डी यादव ने जीता था। और जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किसने किया, तो ये नागर विमानन मंत्रालय ने। और सर्वाधिक अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो ये हॉकी से। चलिए 1961 से हॉकी पुरस्कार दिया जा रहा है, 1961 में स्थापना हुआ था। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय गौरव हासिल किए। और प्रियंका नोटुक्की का संबंध शतरंज से है, प्रियंका नोटुक्की शतरंज खेल खेलती है। और वंदना कटारिया का संबंध कौन से खेल से है, तो वंदना कटारिया हॉकी खेल खेलती है, वंदना कटारिया। चलिए अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी भारत में किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, संबंधित है,
तो ये फुटबॉल के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है, क्योंकि इस भाषा में जो है ना, इस भाषा में ध्वनि के साथ समाप्त होती है, तो ये तेलुगु भाषा है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है, क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द ध्वनि जो स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं, तेलुगु भाषा है। चलिए खेल को अधिकरण में देख लेते हैं कि बतौर कप्तान क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज, तो बतौर कप्तान रोहित शर्मा। और किस खेल स्पर्धा को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों के लिए भारत में नगद पुरस्कार प्रदान करने की योजना शामिल नहीं किया गया है, तो ये क्रिकेट में। और IPL 2022 के रणनीतिक समय समाप्ति अवधि 2.5 मिनट बजे से बदलकर इसको सीट टायर को 3 मिनट का कर दिया, 3 बजे कर दिया गया है। और राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को शीर्ष स्थल देशों में शामिल करना है, तो ये 2030 तक। और मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नवाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 है उसे नीचे बल्लेबाजी करते सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो यह है रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा। और अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविका बन गई है, तो यह है नेत्रा कुमानन। कौन है? नेत्रा कुमानन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला, तो यह है विराट कोहली, रन मशीन। चलिए अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में मनीषा कल्याण ने सीनियर स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में किस देश के खिलाफ भारत के लिए पहला गोल किया है, नवंबर 2021 में मनीषा कल्याण ने सीनियर स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में किस देश के खिलाफ भारत के लिए पहला गोल किया, तो यह ब्राजील के लिए, ब्राजील के खिलाफ। और किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 kg कुश्ती में अपना पहला राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक जीता, तो यह साक्षी मलिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, तो नवंबर 2021 में DBT स्टार कॉलेज में मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और स्वास्थ्य मंत्री फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान गहन के संस्करण 4.0 फिर से लॉन्च किया, करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का नाम क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। चलिए अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में शुरू की गई PM उम्मीद योजना का लगभग उद्देश्य 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, इस योजना की अवधि कब तक है, तो 2025 से 2026 तक। और किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के पोषण की स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 2018 में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और HIV/AIDS रोगियों के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा 2022 में शुरू किया है, तो गोवा सरकार ने। कौन सरकार? गोवा सरकार शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष फरवरी 2022 में परम शिक्षालय योजना शुरू की, जिसके तहत कक्षा 1 से 7 तक के छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा और मध्यान्ह भोजन खुली कक्षाओं ओपन एयर क्लासरूम में प्रदान किया जाएगा, तो यह पश्चिम बंगाल सरकार किया है। कौन? पश्चिम बंगाल सरकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक योजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा, और सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी गरीबी से लड़ने के लिए। और अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना कब के तहत शुरू किया, डोनेट ए पेंशन पहल। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1995 में। और जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश। और भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना कौन है, तो ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। और विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा सहाय योजना शुरू किया गया है। और किस सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। और केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए रोजगार का सृजन होगा, तो ये 60 लाख। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई, तो स्माइल योजना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारम्भ किया, तो वाराणसी। और उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे
परियोजना का पहले नाम क्या था? तो ताज एक्सप्रेसवे था। क्या था? ताज एक्सप्रेसवे। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और भारत में जिला निवेश संवर्धन एजेंसी DIPA स्थापित की गई है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की, इसका उद्देश्य क्या था? तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे शुरू करना। और भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू की थी 1952 से, सबसे पहले भारत में शुरू किया गया। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2005 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों की सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है? तो 100 दिनों का सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य शुरू किया था, आंध्र प्रदेश 100 दिनों का दिया था। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना शुरू की गई है, ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार शुरू किया है। और छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श शुरू किया है। तो ये कौन शुरू किया है? तो ये असम सरकार किया है। और करवे समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था, किससे संबंधित है करवे समिति? तो ये लघु उद्योगों के जांच के लिए करवे समिति का उपयोग किया गया था शुरू। चलिए अगला प्रश्न है कि किन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो ये PC महानलोबिस को जाना जाता है, प्रशांत चंद्र महानलोबिस। ये दूसरे योजना आयोग जो शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना, उसके रूपरेखा यही तैयार किए थे और प्रथम के हेराल्ड उमर किए थे। अगला प्रश्न है कि कौन सी सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है? तो यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। चलिए अगला प्रश्न है कि 2010 के आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट को मद्देनजर रखते हुए RBI ने भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान क्षेत्रों में मुद्दे और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो यह मालेगाम समिति। और किस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है? तो यह प्रधानमंत्री जनधन योजना है। कौन है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की थी? तो 3.6%। और भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 12 से 17 तक था। और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2022 में। और कौन सा संगठन स्कूल टू स्कूल कार्यक्रम चलाता है जो शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच सहानुभूति और सम्मान का रिश्ता बनाता है? तो उस कार्यक्रम का नाम है गुंज। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, हेमू हार गया था। और पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी युद्धस्थल में ही मारा गया था। और पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? पटचित्र तो ये उड़ीसा राज्य की है। और राजतरंगनी के लेखक कौन है? तो ये कलहन है। और राजतरंगनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिए। अगला प्रश्न है कि गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद जो है ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये 1989 ईस्वी में किया गया था सांची के स्तूप को, जो कहाँ है? तो MP मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था इसको? तो अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह है अजमेर, राजस्थान में है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये श्री गुप्त। चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह के बीच 1539 ईस्वी में, 1539 में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। और गीत गोविंद की रचयिता तो जयदेव है। कौन है? जयदेव। और जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? इब्न बतूता तो ये मोरक्को का नागरिक था, मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश का एक देश है मोरक्को, रबात दिरहम, मोरक्को रबात दिरहम, राजधानी है रबात दिरहम मुद्रा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम,
दास वंश की स्थापना किसने की थी, या उसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, मामलुक वंश, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम त्रिपिटक। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण कब से कब शुरू किया गया था, 1632 देता है, लेकिन 1632 से 1653-54 के बीच में शुरू किया गया था, तब तक उतना दिन तक हुआ था। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, कौन, शाहजहां, मुमताज महल की याद में। और मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, लगभग 13 वर्ष की अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। और जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ, तो 1656 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1573 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा तो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1573 में बनवाया था। अगला प्रश्न है कि तंजावुर के में जो बृहदेश्वर मंदिर, जो इसको हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा चोल ने करवाया था, राजराज प्रथम चोल वंश का शासक था। और संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, संगाई, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, संगाई त्यौहार मणिपुर में। पोंगल त्यौहार जो मनाया जाता है तमिलनाडु में, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में होता है, तो कनिष्क के काल में, जो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। चलिए अगला है, जम्मू कश्मीर में हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न, प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, तो एक कालिदास, पूछेगा कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। अशोक के प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो ये प्राकृत भाषा में थे, अशोक के प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। और अगला प्रश्न है कि जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो विरूपाक्ष मंदिर है जो भगवान शंकर को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था, कब, तो 1837 ईस्वी में, खोजा था प्रदीप पैंथिलन ने 1750 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कला और संस्कृति देख रहे हैं कि सिनेगॉग किससे संबंधित है, सिनेगॉग किससे संबंधित है, जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, तो ये यहूदी धर्म से सिनेगॉग है। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर हर मंदिर। और कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो ये गुवाहाटी असम में है। तानसेन किस गायक से संबंधित है, जो अकबर के दरबार में रहते थे, ये ध्रुपद गायक से। वारली चित्रकला किस राज्य में चलता है, तो ये महाराष्ट्र में चलता है वारली चित्रकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है, सफदरगंज का है, सफदरगंज का मकबरा जो है दिल्ली में है। और बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों की प्रमुख जो चित्रकला कौन सी है, तो ये मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। और शाहजहाँ की बेटी का नाम जहान आरा गौहर आरा और रोशन आरा। और गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में तलवंडी में हुआ था। चलिए अगर नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1739 में किया था, 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया था 1739 में। अगला है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद। और सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में है। मनोरा का किला कहाँ है, तो ये तंजावुर तमिलनाडु में है, मनोरा का किला। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। राजमार्ग 1 और राजमार्ग 2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड था, जिसको शेर ससुरी ने बनवाया था। चलिए अगला एक बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो ये बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। हुमायूनामा की रचना गुलबदन बेगम। भारत का नेपोलियन किसे कहता है, तो समुद्रगुप्त। किसने कहा था, बी ए स्मिथ ने कहा था, बी ए स्मिथ। अगला है कि बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है, तो बुलंद दरवाजा का नाम है डोर ऑफ विक्ट्री, विजय का द्वार, क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, उसको छोलिया नृत्य बोलते हैं, छोलिया नृत्य, ये उत्तराखंड में बनाया जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी 1922 में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा पूरा स्थल, और भारत का राखीगढ़ी। और भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में मिलता है, तो ये तंजावुर चित्र शैली में भगवान श्री कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग मिलती है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है, तो ये इस्लाम से है। अगला प्रश्न है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा के लाल किले का अकबर करवाया था 1565 से 1573 ईस्वी में। हॉर्नबिल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। अल्बोरुनी भारत में किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। और हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर होते थे उसमें किस पशु का अंकन मिलता है, ज़्यादातर तो एक सिंगी बैल का मिलता है। और यजुर्वेद में उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है, तो यह है युद्ध से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता
कि सबसे पहले एक स्थल की खुदाई हुई थी हड़प्पा 1921 ईस्वी में, और मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम इंडिका है, और विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अभी तक इतिहास में 11 जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिए हैं। और काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था, तो तुगलक वंश ने। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है, तो ध्रुपद। और उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था, तो राजगीर से पाटलिपुत्र बनाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। क्या था, प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था। और सिंधु घाटी सभ्यता के में मनके के कारखाने बनाने कहाँ से मिले हैं, तो ये चंद्रहुद्रो तथा लोथल से मिले हैं। और भारत मुनि के नाटशास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, उसको भरतनाट्यम कहते हैं, जिसका सादिर पुराना नाम था सादिर। अगला प्रश्न है कि तालीपरम्बा स्थित केरल राज्य किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है, तो राजराजेश्वर मंदिर। और यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का है। और कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा, तो ये वडियार राजवंश का जो शासन कर्नाटक के मैसूर पर रहा। और कौन सा शासक कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था, अलाई दरवाजा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। और दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। और किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। और हुरकिया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है, हुरकिया, तो उत्तराखंड में है। और एलिफेंट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जयपुर के, राजस्थान के जयपुर शहर में एलिफेंट फेस्टिवल। और शक संवत किस माह में शुरू होता है, तो चैत्र। और बाडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है, बाडो छाम, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। और राजस्थान की फर किस प्रकार की कला है, राजस्थान की फर किस प्रकार की कला है, तो ये लोक चित्रकला है फर। और अरानुमुल्ला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है, अरानुमुल्ला, तो ये केरल में मनाई जाती है, केरल में नौका दौड़ होता है। और अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था, तो ये चांद बीबी, कौन थी, चांद बीबी। और अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में स्थित चार मीनार किसने बनवाया था, तो ये कुली कुतुब शाह बनवाया था। और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया, तो वर्मा रंगून में भेजा गया, वहीं पर इसका समाधि स्थल भी है। और घूमर नृत्य किस किस राज्य से है, तो राजस्थान में, सकरिया भी वहीं का है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना, तो ये समुद्रगुप्त बना था, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और मुआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है, मुआत्सु पर्व, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, मुआत्सु पर्व। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को माना जाता है, और अंतिम तीर्थंकर। और इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, बाबरनामा फारसी नहीं होगा, तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में, गलत है, तुर्की भाषा में, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में, बाबर खुद लिखा था। और लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है, तो नागर शैली में, ये कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। और प्रतिभा प्रहलाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम, प्रतिभा प्रहलाद का। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमार गुप्त प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न है कि कुचिपुरी का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुरी। रबिया उद्दौरानी, रबिया दुरानी का वास्तविक नाम था दिलरास बानो बेगम, और औरंगजेब की पत्नी का नाम था रबिया उद्दौरानी। और बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 में किया था, हसन गंगू। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। और लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो लोसार, जो नौ वर्ष पर मनाया जाता है। और पद्मावती किस जगह से संबंधित है, तो ये चित्तौड़ से है, पद्मावती चित्तौड़ से। हर्षचरित किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे, तो चंदेल शासक से संबंधित थे खजुराहो के। और खजुराहो का जो मंदिर है 1000 वर्ष पुराना है। और ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है, ढोला डांस, तो ये गोवा से है, ढोला डांस जो है गोवा में मनाया जाता है। और विजयनगर समाज कहाँ था, तो हम्पी कर्नाटक में। और मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है, तो मुखौटा नृत्य होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य नाम है लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा महाराष्ट्र में। और अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है, तो शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम महोत्सव। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भगवान महावीर का जो जन्म है स्थल कहाँ है, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, 540 ईसापुर में हुआ था, 540 ईस्वी में। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के सिरोही जिला में, राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में है।
चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है। तो एक कोलम तमिलनाडु में है। और कौन सा गुप्त शासक बिना वादक में निपुण था। तो ये समुद्रगुप्त। और ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का जो राज चिन्ह है अशोक जो सिंह स्तंभ कहाँ पर है। तो सारनाथ वाराणसी यूपी में। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। चाणक्य था। कौटिल्य विष्णुगुप्त जो भी कहिए। और अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी। जो जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है। पटियाली में 1253 ईस्वी में जो एटा जिला में पड़ता है उत्तर प्रदेश। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और कंडुका पहाड़ी पर स्थित जो मुर्देश्वर टेम्पल है ये कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश उत्तर कनाडा जिला कर्नाटक में है। और अजमेर किसमें किसकी दरगाह है। अजमेर में तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और सोनल मानसी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। और अजंता गुफाओं में किस प्रकार चित्रण किया जाता है। तो ये भित्ति चित्र कला किया जाता है। भित्ति चित्रकला। और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने जिसके यहाँ दंतेदुर शासक था। और 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिक्किम में मास्क मुखौटा पहन कर कौन सा नृत्य हो जाता है। तो लामा डांस। लामा डांस जो होता है कहाँ होता है। सिक्किम में। और दस कुमार चरित की पुस्तक के लेखक महाकवि डांडी कौन थे। दस कुमार चरित के लेखक महाकवि डांडी। और गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सुतकोतदा। लोथल भी है सुतकोतदा भी है और राखी गढ़ी भी है। और हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि हर्षवर्धन का वानभट्ट था। कौन था। वानभट्ट। और किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी। तो ये सातवाहन शासकों ने। इसका संबंध आंध्र प्रदेश से था। और एलिफेंटा केव्स यानी एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। भगवान शिव भगवान को है। शंकर भगवान को। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल राजा धर्मपाल थे। कहाँ है। तो भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल। और मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है। तो मिथिला क्षेत्र बिहार में है। और अस्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया गया था। तो पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए अस्तूप का निर्माण कराया गया था। और आगरा नगर किसने बसाया था। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है जिसका अभी नाम हो गया है हलेविड। प्राचीन नाम क्या था। हलेविड। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो शैल चित्र और सलाइसरों के लिए। कहाँ है। तो एमपी में है एमपी। और कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है। कालबेलिया तो राजस्थान का है। और अंतिम मुगल शासक कौन था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक। जलीकट्टू किससे संबंधित है। तो बैलों को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है सांड के साथ जो तमिलनाडु में मनाई जाती है। और कार्ले गुफा बौद्ध गुफा जो है कहाँ स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। पूरी उड़ीसा में है। और किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रथा प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाया। तो ये अशोक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंदेरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया। तो नादिर शाह ले गया था। ईरान का जो शासक था 1739 में आक्रमण किया था। और भगोरिया त्यौहार जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस गुफा में पूरा पाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भीमबुटका गुफा में मिला है। और राजकुमार सिंहजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं। तो ये मणिपुरी के हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय में हुई थी। तो रखालदास मुनर्जी 1922 ईस्वी में। और माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का है माधुरी। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चोल वंश के शासकों ने राजराज प्रथम तमिलनाडु में जो है। और हड़प्पा स्थल सभ्यता स्थल से मनके मिले हैं किसके बने होते थे मनके। तो एस्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के तट पर हुई थी। और कौन सा मुगलकालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है। तो यह कथक शास्त्रीय नृत्य अकबर के समय से ही प्रचलित है।
अरे उत्तर भारत का निर्यात है। और सबरीमाला मंदिर जो कहाँ है, सबरीमाला मंदिर तो केरल राज्य में है। और कलारीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, सबसे पुराना केरल का। और किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी भाषा में। कौन लिखा है, तो अलबरूनी। और भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत, जिसको देव भाषा भी बोला जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आयाति केसरी ने करवाया था। और अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का, बिंदुसार का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, अबुल फजर। और मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया था, तो ए जजिया कर लगाया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर FST लगाया था। कौन सा कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्ष्मू महाराज, ये सभी उत्तर सभी जो हो जाएगा ये कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए संबंधित है। और भारत में वैदिक काल का समय कब से कब है, तो ये हो जाएगा 1100 से 1000 से लेकर 600 BC हो जाएगा वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है कि दुम्भल, जिसको धुमल किस राज्य का लोकनृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का धुमल और दुमहल। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है, तो राधा कृष्ण को। और श्रवण बेल गोला को जैन मंदिर किससे निर्मित है, तो ये ग्रेनाइट पत्थर से है। और भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं, तो अब 9 हो गए हैं, 6 को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है। और मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, उसके बाद इल्तुतमिश। और सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो झेलम नदी के युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, जिसको हाइडेस्पेसिस का युद्ध भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और राजा नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये पल्लव राजवंश से। चलिए अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो गंग वंश के शासकों, राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। और सिजदा पर्दा की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने किया था। और चेरी किस राज्य का लोकनृत्य है, तो राजस्थान का। कुंभ मेला 12 वर्षों पर लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मृगनयनी महल कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सुतकोटा कहाँ है, गुजरात में। और अकबर द्वारा बनवाया गया जामा मस्जिद कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में है। और अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में हुआ था, जो अफगानिस्तान का था। और 16वीं शताब्दी में विजयनगर का सबसे बड़ा राजा कौन था, राजा कृष्णदेव राय। और अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। और बंदा बहादुर की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगता था, तो जो लघु उद्योग होता था उस पर कर नहीं लगता था। और मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो ये अथर्ववेद से लिया गया है मुंडकोपनिषद। ये गलत बात है, मुंडकोपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से, ऋग्वेद से मुंडकोपनिषद। और मलपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकर कहाँ है, तो सिकंदर में, आगरा सिकंदरा में है। और तंजौर कला किस वंश से संबंधित है, तंजौर, तो ये चोल राजवंश से है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है, तो अराविडु वंश का। और अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी, तो 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की थी। और इस्पाओ नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। और पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत में लिखी गई है। और आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है, तो एक खगोलीय ग्रंथ पर स्थित संबंधित एक पुस्तक है। और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था, और इलाही संबोध चलाए 1583 में अकबर ने ही। और हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा लिखित किस सल्तनत को स्थापित किया गया, तो विजयनगर को, स्थापना 1336 ईस्वी में। और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। शाहजहां ने नहीं बनवाया था, तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। और शेर सरसूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। इसका आकार जो था अष्टकोणीय था। और धमेख स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये मौर्य वंश के द्वारा। और विठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। और मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर पंजाब में। और कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है, तो ताम्रलिप्ति जो पाषाण काल में नहीं आता है। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और चौसा की जो लड़ाई हुई थी 1539 में, 26 जून 1539 में हुई थी। और बिलग्राम का और कनौज का 1540 ईस्वी में हुआ था। और बम्बू नृत्य है मिजोरम से संबंधित है, बम्बू जो नृत्य है मिजोरम से है। और बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से है। और अशोक के दादाजी का क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और तिजारा का संबंध किस राज्य से है, तिजारा का संबंध तो राजस्थान से है, राजस्थान से तिजारा का संबंध है।
और अगला प्रश्न देखते हैं कि अजंता की गुफा की खोज कब हुई थी, तो ये 1819 ईस्वी में हुई थी। और पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य का लोकनृत्य है पाइका, तो यह झारखंड का है। और अकबर द्वारा किसने जरी कलम की उपाधि दी थी, तो मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। और हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया, तो कॉर्निल मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में खोजा गया था। कॉर्लिन मैकेंजी के द्वारा खोजा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। और पद्मनाम स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। और शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कथक से है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानगार का आकार कैसा है, तो ये आयताकार है। और हड़प्पा सभ्यता के मुहरों का आकार किस प्रकार का होता था, तो मुहर जो होता था वर्गाकार होता था या आयताकार होता था। और फुलकारी कला का संबंध किस राज्य से है, तो यह पंजाब से है। और समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है, तो 35 फीट है। और उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में। और बाबर का जो वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किसको समर्पित है, तो आदिनाथ को है। और हड़प्पा किस नदी के स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, तो महायान संप्रदाय जो है ये अंग पूजा में विश्वास करता है। और दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनय या नृत्य किया जाता है, तो एक कथकली में किया जाता है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। और उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि उत्सव मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य में किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ का है। और दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया, तो तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और सबसे ज़्यादा दिन तक तुगलक वंश शासन किया था। और बोधिसत्व किससे संबंधित है, तो महायान संप्रदाय से है, यानी बौद्ध धर्म से। और सूत पिटक और विनय पिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और हैदर अली कहाँ का शासक था, तो मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। और सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर जलाशय मिला है, तो धौलावीरा गुजरात में है। और मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे कहाँ से संबंधित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान से। और राउत नाचा किस राज्य से संबंधित एक नृत्य है, तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ से। और मगध की राजधानी कहाँ से है, तो राजगिरी या पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। और पुडुचेरी का एक लोकनृत्य का नाम बताना है, भैरवी और गर्दी जो है ये पुडुचेरी का है लोकनृत्य। और गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी, तो संत मियाँ मीर ने रखी थी गोल्डन टेम्पल की नींव। और बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो नवाब आसफ़ुद्दौला ने 1784 ईस्वी में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, जो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जो दोनों का है लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरि व पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि मरुनी किस राज्य का लोकनृत्य है, मरुनी तो है सिक्किम का। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंडको उपनिषद में से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को। और मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में मिसिंग जनजाति। और इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। और बैराम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था, तो अब्दुल रहीम खान ने खाना जो बैराम खां का पुत्र था। और गोतीपुआ किस राज्य का लोकनृत्य है, गोतीपुआ तो उड़ीसा का है। चलिए अगला है गोतीपुआ कहाँ का है, तो उड़ीसा राज्य का है गोतीपुआ। और अगला है कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यह व्यापार था। और ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, गाय को दोहन करने वाली। और तमिल संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया, तो कांस में। और अगला प्रश्न है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, गुजरात को जीतकर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब
कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और इससे भी बेहतर बेहतर आपको हम कंटेंट देते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही।